हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक न्यू तोरण पट्टी का डिज़ाइन सीखने वाले हैं, तो पूरी वीडियो में बने रहें। आज हम इस तोरण पट्टी को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, जो बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए, तो पूरी वीडियो में बने रहें। इसे बनाने के लिए हमें 18 चैन लेकर 18 डबल क्रोशेट बना लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं 18 डबल क्रोशेट बनाया गया है। हमें 5 डबल क्रोशेट बनाना है, 3 चैन लेकर 5 डबल क्रोशेट बनाना है। उसके बाद 2 चैन स्किप करके पफ स्टिच तैयार किया गया है। और इसे किस तरह से तैयार किया गया है तो मैं आगे बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं इसे किस तरह से बनाई हूँ। शुरुआत में इतना कर लेना है। आई होप आप इतना कर लेंगे, डबल क्रोशेट बना लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से ऐसे ही हमें शुरुआत में भी स्टार्ट करना है। 5 डबल क्रोशेट बनाना है चैन को काउंट करके। तो 4 डबल क्रोशेट बनाया, 1 चैन, टोटल 5 हुआ। अब हमें यहीं से एक पफ स्टिच तैयार करना है। इस तरह से धागा को खींचकर यहीं से 3 टाइम्स फंदे लेकर एक पफ स्टिच तैयार करना है। अब हमें 2 चैन स्किप कर देना है। यहाँ से 2 डबल क्रोशेट को स्किप कर इस बीच वाले से 3 टाइम्स फंदे लेकर एक पफ स्टिच तैयार करना है। फिर इस 2 को 2 डबल क्रोशेट स्किप करना है और नेक्स्ट होल से हमें एक पफ स्टिच तैयार करना है। टोटल 3 पफ स्टिच हुआ। अब हमें इसे बंद कर देना है इस तरह से। 1 चैन लेकर यहीं से इसी होल से एक और पफ स्टिच तैयार करना है। इसे इस तरह से बंद करके अब हमें 2 डबल क्रोशेट स्किप कर देना है। और यहाँ से 3rd वाले से हमें डबल क्रोशेट बनाना है। टोटल 5 डबल क्रोशेट बनेगा। तो इस तरह से 1st रो कंप्लीट हुआ। बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बहुत ही सिंपल, और इसका लुक बहुत ही अच्छा है। आई होप आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अब हमें इसका नेक्स्ट रो बनाना है। नेक्स्ट रो में हमें फिर से डबल क्रोशेट बनाना है। डबल क्रोशेट बनाने के बाद हमें दो चैन लेना है। इतना बनाने के बाद 2 चैन लेना है। यहाँ से 2 चैन लेकर इसी होल से हमें 2 पफ स्टिच तैयार करना है। फिर 2 चैन लेना है, एक और पफ स्टिच तैयार करना है। फिर से 2 चैन लेकर 5 डबल क्रोशेट बनाना है।
5 डबल क्रोशेट बना लेना है। तो इस तरह से हमारा ये रो भी कंप्लीट हो गया। अब हमें थर्ड रो में इसे डबल क्रोशेट से फिल करना है। तो इस तरह से अब हमारा थर्ड रो बनेगा। इसमें हमें ओनली डबल क्रोशेट ही बनाना है। इस चैन से दो डबल क्रोशेट बनाना है। फिर नेक्स्ट वाले से दो, फिर इस होल से दो डबल क्रोशेट, उसके बाद 5 डबल क्रोशेट बनाना है। तो इस तरह से फाइनली यह तोरण पट्टी का डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। अब हमें सेम प्रोसेस में रिपीट करना है। फिर से इसके ऊपर हमें फ्लावर्स को स्टार्ट करना है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।